नमस्कार, आज हमने जीरा राइस बनाने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। एक बाउल हमने बासमती चावल लिए हैं, इसको अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिए हैं और 5 मिनट के लिए इसको पानी में डाल दिए थे। सारा पानी बाउल से निकाल लिए हैं। वजन में 300 ग्राम मेरा चावल है और तड़का के लिए बड़ी इलायची 1, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 जायवित्री है, 4-5 कली लवंग है, 5-6 काली मिर्च है, 1 नींबू है, स्वाद अनुसार नमक है, 2 चम्मच घी है, 1 चम्मच भर का पूरा जीरा है और 1 कटोरी धनिया पत्ती कटी हुई है। तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। जीरा राइस बनाने के लिए एक टॉप लिए हैं, आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। हमने एक टॉप लिए हैं, चूल्हा जला दिए हैं और इसमें शुरू करते हैं बनाने के लिए। टॉप मेरा गरम हो गया है, इसमें घी डालते हैं। सबसे पहले 2 तेज पत्ता डालते हैं और जो लिए थे लौंग इलायची सब डाल देते हैं इसमें। जीरा अब इसको अच्छी तरह भून देते हैं। चावल को भी इसमें 2 मिनट के लिए भून देते हैं। दो मिनट मेरा हो गया है चावल को फ्राई करते हुए। अब इसमें पानी डाल देते हैं। जॉन बॉल से पानी डाले थे वही बॉल से नाप कर हमने पानी डालते हैं। इसी बॉल से हमने चावल डाले थे, इसी से 2 कप पानी डाले हैं। 1 बॉल चावल था और 2 बॉल पानी। नमक भी डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इसी तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देती हूँ और इसको ढककर 5 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। इस तरह से चावल मेरा पकना शुरू हो गया है, देखिए। और इसमें नींबू का रस भी साथ में डाल देती हूँ। नींबू के रस और घी से जीरा राइस बनकर बहुत अच्छा तैयार होता है और बहुत फ्रेश बनता है। फिर इसे वापस ढक देते हैं। मेरा जीरा राइस बनकर तैयार हो गया, देखिए। सारा पानी सोख लिया है और चावल काफ़ी बड़ा हो गया है। और देखिए हल्का चावल टूट रहा है और इसको अब 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से अभी हम ढककर छोड़ देंगे। उधर मेरा राइस बनकर तैयार हो गया है, सेट हो रहा है जीरा राइस। तब तक इधर 2 पराठा बना ले रहे हैं साथ में सर्व करने के लिए। पराठा में इस तरह से घी को लगाना है और 3 कोना के हमें पराठा को बनाना है। इस तरह से पैन मेरा गरम हो गया है, अब इसको पराठा को डालते हैं। हमने 3 कोना वाला पराठा बनाए हैं, आप चाहे तो 4 कोना वाला भी बना सकते हैं।
इस तरह से देखिए पराठा एकदम क्रिस्पी बना है, एकदम गोल्डन ब्राउन। और इसका सबता देखिए छोड़ रहा है इस तरह से, बहुत सॉफ्ट और अच्छा बना है। देखिए कितना सुंदर बना है पराठा, अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, गोल्डन ब्राउन और एकदम क्रिस्पी, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। और दो चपाती बना रहे हैं गोल वाला, घी लगाकर इस तरह से, घी लगा देने पर रोटी थोड़ा कम फूलता है, पतला वाला उतना नहीं फूलेगा। इस तरह से देखिए ये गोल वाला चपाती है, तीन कोना वाला है फिर गोल वाला है। जीरा राइस मेरा अब सेट हो गया अच्छी तरह से। अब देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, और देखिए टूट रहा है अच्छी तरह से, और इससे बहुत खुशबू निकल रहा है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। अब इसको धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं इस तरह से। मेरा जीरा राइस और चपाती और पराठा तीन कोना वाला और रूखी रोटी सब बनकर तैयार हो गया है, और मशरूम पनीर कढ़ाई बना है साथ में सर्व करने के लिए। देखिए कितना सुंदर है, और मुंह से पानी तो आ ही रहा है, बहुत अच्छा बना है। और आप लोग बताइए कि मेरा रेसिपी बनाया हुआ कैसा लगा, कमेंट करके मेरा बताइए। और रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके दोस्तों शेयर करिए। और फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।